हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको चैनल के इंट्रोडक्शन में दिया है, मेरा ट्विटर अकाउंट भी है, तो वहाँ पे एक दिन एक व्यक्ति सज्जन बोल रहे हैं कि मतलब भाई ये लोगों को मायोपिया सही करने की तरकीब मत बताओ, इससे लोग अंधे हो सकते हैं और मायोपिया को सही करने की सिर्फ एक ही तरकीब है और एक ही तरीका है और वो है लेसिक। तो मतलब आप भी ऐसा सोचते हैं तो हम तो सोच नहीं बदल सकते, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो और अच्छे से समझाऊँ, ताकि आपको पता चले कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे आंखें खराब होती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये वीडियो सिर्फ मायोपिया वालों के लिए है, जिनको माइनस का चश्मा लगा है, जिनको दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक, दूसरा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो तरीका मैं जो मैं बता रहा हूँ, वो कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो सीधी बात है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग ये तरीका अपना सकते हैं जो जिम जा सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि जिम आपके लिए नहीं है, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये तरीका आप पे अप्लाई ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई मांसपेशियों की डिजीज है, आँख में भी मांसपेशी होती है जो लेंस को कंट्रोल करती है, तो हो सकता है आपको कोई वहाँ से दिक्कत आ जाए। तो अगर डॉक्टर ने ऐसा कहा है या फिर आपको आँख में कोई कंडीशन है आपका मायोपिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो भी आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि क्यों मैं जो बोल रहा हूँ वो उतना भी नुकसानदेह नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज़ कह रहा हूँ कि दूर की चीज़ें देखिए बिना चश्मे के अच्छी धूप में, ये पहला पॉइंट है। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा, दुनिया में जो लोग चश्मा नहीं लगाते हैं, जिनको मायोपिया नहीं है, जिनको दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं, वो लोग ये कर सकते हैं ना, वो लोग ये करते हैं ना। तो मैं कोई स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको भी बिना चश्मे के दूर की चीज़ें साफ देखनी है तो आपको धीरे धीरे करके ऐसा करना पड़ेगा जैसा कि बिना चश्मे वाले लोग कर रहे हैं, को धीरे धीरे वैसा बनना पड़ेगा। जैसे जिम में क्या है, जिम में क्या होता है, जिम में आप जैसे 100 किलो वजन आज नहीं उठा पाते, आज आप 20 किलो उठा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको वजन प्रोग्रेस करना पड़ता है, 20 किलो 25 किलो बढ़ते बढ़ते एक दिन कुछ महीनों के बाद आप 100 किलो उठाने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है, इसमें भी समय लगता है। अगर आपको भी चुटकी बजाने वाला इलाज चाहिए तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा, वो मेरे पास है ही नहीं, इसमें टाइम लगता है। अब आते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहले तो जो पिछले वीडियो में जो मैंने फार्मूला दिया था वो है ये फार्मूला, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करें? ठीक है, L इज्कल टू 100 अपॉन में है 100 अपॉन V माइनस P। ठीक है, इसमें ये कह क्या रहा है और आप कैसे अप्लाई करें? अगर मान लीजिए आपके इसमें दिखा है, इसमें P में आपको अपने चश्मे की पावर रखनी है साइन के साथ, तो ठीक है, ये वीडियो मायोपिया वालों के लिए, तो आपको सिर्फ माइनस में ही माइनस समथिंग कोई वैल्यू आपको रखनी है P की। तो जैसे मान लीजिए मेरा चश्मे का अडाप्टर है -4, तो मैं यहाँ -4 मतलब कि +4। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। और उसके बाद V क्या है? अपेरेंट डिस्टेंस। अपेरेंट डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस आपको दिख रही है। ठीक है, तो जैसे आप दूर की चीज़ें देख रहे हैं तो अपेरेंट डिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, कैमरा मेरे से शायद 40 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ V में मैं 40 लिखूंगा। ठीक है, और ये साइन प्लस में है। ठीक है, मैं मतलब प्लस माइनस का जो भी है इशू वो बाद में सुलझाऊंगा, लेकिन अभी अभी आपको सिर्फ इसमें +25 लिखना है, +40। तो अगर आप ये चीज़ें रखते हैं
जैसे मान लीजिए ये मैं फोन है, फोन यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर पे पकड़ा हुआ हूँ, और अगर मान लीजिए मैं अगर -4 डॉप्टर का चश्मा पहन के इसको देख रहा हूँ, तो ये मैं दोनों वैल्यू रखने पे एल की वैल्यू आएगी 12.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल मतलब कि वो व्यक्ति जिसको मायोपिया नहीं हुआ है, अगर उसको भी आपके जैसा ही देखना है, -4 का चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर उसको फोन देखना है, तो वो 12.5 सेंटीमीटर पे फोकस कर रहा है, मतलब आधी दूरी पे। ये 25 सेंटीमीटर है, 12.5 आधी इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, मायोपिया कम करने के लिए फार्मूला कैसे यूज करें, ठीक है। तो पहले तो आपको अपना आँख का एक्चुअल पावर निकालना पड़ेगा, जो डॉक्टर ने दिया है आँखों का पावर आपका, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरा अभी -4, तो -4 का आप इन्वर्स करेंगे, -4 का फोकल लेंथ निकालेंगे आप, ठीक है, तो आएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब 25 सेंटीमीटर आया, तो अब आप जो भी चश्मा पहनिए या जो भी दूरी देखिए, पी और वी की वैल्यू ऐसी ऐसी रखिए कि एल आपका हमेशा 25 या 25 से ऊपर है। 25 से नीचे जाएगा तो मायोपिया बढ़ेगा, और एल 25 से ऊपर जाएगा तो मायोपिया घटेगा, ठीक है। आपको यही चीजें करनी है। तो अब आप एल और सॉरी पी और वी की किन किन वैल्यूज के लिए एल आपका 25 से ऊपर है, आपकी आंख के लिए ये एल की दूरी आपके डायप्टर के इनवर्स के 1/डायप्टर के बराबर होगी, ठीक है। मैं फार्मूला एक सही से बना के दिख दूंगा, 1/डायप्टर इक्वल टू ये फार्मूला। तो अगर आपको चश्मा सही करना है, तो ये वैल्यू हमेशा उस 1/डायप्टर से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब जो मैं कह रहा हूँ कि बिना चश्मा पहने दूर की चीजें देखना, वो दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं, और देखिएगा एल की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, इसलिए वही सबसे तेज तरीका है, ठीक है। एल अब आप उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो मायोपिया कम करने का सबसे तेज तरीका वही है, और वो यही इसी फार्मूले से आ रहा है। अब दूसरा, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला आया कहाँ से। तो ये फार्मूला यहाँ से आया है, ठीक है, ये भी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, माइनस लेंस, जैसे कोई मायोपिया का व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को मायोपिया हुआ है, तो वो किसी तय दूरी से ज़्यादा दूर नहीं देख सकता, फोकस नहीं कर सकता। तो जैसे किसी को 2 डॉप्टर का चश्मा लगा है, तो वो 50 1/2.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूर पे फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर उसको चश्मा लग रहा है, तो वो चश्मा कैसा होना चाहिए, जो बहुत दूर की चीज उसको 50 सेंटीमीटर पे ला के दिखाए, थाली में परोस के उसको पेश करे आंखों के लिए, पास में, वर्चुअल इमेज पास में बने, ठीक है। तो चश्मा ऐसे ही काम करता है, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि चश्मा कैसे काम करता है, और वो फार्मूला इसी आधार पे बना है, ठीक है। वो फार्मूला कहीं ऊपर से छत से नहीं टपका है, वो फार्मूला ऐसे ही आप क्या बोलते हैं, डायोप्टर एडिशन रूल करेंगे, तो आप भी वही फार्मूला निकालेंगे जो मैंने निकाल के दिया है, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वो अगली वीडियो में, इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं, वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, अंधे तो बिल्कुल नहीं होंगे, इस हिसाब से मैं भी अंधा हो गया रहता, जबकि मैंने आधा डायप्टर कम किया है सिर्फ इस साल में, और 2018 में मेरा पावर था -5, अब मेरा -4 है, तो मैं अंधा नहीं हुआ, तो आप भी नहीं हो सकते अगर आप, मैंने जो बताया सिर्फ वही फॉलो करिए। फॉलो में 3 चीजें करनी है, पहली है मायोपिया कम करने की चीज, दूसरी है मायोपिया को वहीं रोके रखने की चीज, और तीसरी है मायोपिया अपना बढ़ने देने वाली चीज।
तो पहली चीज़ तो वही है कि दूर की चीज़ें देखिए बिना चश्मे के, अच्छी अच्छी रोशनी में, मतलब कि अच्छी धूप में, ठीक है। दूसरा, मायोपिया वहीं के वहीं रोके रखने की तकनीक क्या है, जब आप धूप में ये काम नहीं कर रहे हैं, पहले पहला नंबर नहीं कर रहे हैं, धूप में दूर की चीज़ें नहीं देख रहे हैं, तो बाकी बाकी टाइम आप अपने आँखों का जो पावर है उससे थोड़ा सा कम का चश्मा पहनिए, जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर पावर बहुत कम होगा तो भी आपकी आंखें मतलब बता देंगे कि हाँ बहुत कम है, ज़्यादा होगा तो भी आपको बता मतलब आंखों में मतलब स्ट्रेस आ जाएगा। तो ऊपर नीचे करके आप टेस्ट करिए कि कौन सा कम पावर मैं पहन सकता हूँ, ठीक है, तो वो आप पहनिए। और तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ भी उसी फार्मूले से निकल के आती है, चश्मा पहन के पास की चीज़ें मत देखिए। जैसे ये फोन है, फोन अगर बिना चश्मे के अगर आपको दिख रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो अगर आप इस फोन को चश्मा लगा के नहीं देखेंगे तो आपका मायोपिया बहुत जल्दी से सही होगा। फोन को अगर आप चश्मा लगा के पास की चीज देखेंगे तब तो फिर मायोपिया बढ़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका मायोपिया बढ़ता गया है, ठीक है, जिनका जैसे शुरू में सिर्फ 0.25 आया, कुछ सालों बाद बढ़ के वो 1 डॉप्टर 2 डॉप्टर बढ़ गया, वो सिर्फ एक ही वजह से बढ़ता है, और वो है चश्मा लगा के भी पास की चीज़ें देखने से। साफ दिखने से मतलब नहीं है, अगर आपको दिख रहा है चश्मे के बिना भी तो आप चश्मा मत लगाइए, वो आपकी आंखों के लिए सचमुच में हानिकारक है, जो ये ट्विटर वाले सज्जन नहीं पकड़ पाए थे। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी आंखों को सही कैसे करें, और ये मतलब मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप चश्मा पहन के अगर पास की चीज़ देखेंगे जो आपको बिना चश्मा पहने भी दिख सकती हैं, तो आपका पावर बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं, या तो बढ़ेगा या फिर वहीं रहेगा, घट घट नहीं सकता कभी पावर। पावर अगर आपको घटाना है तो आपको धूप में दूर की चीज़ें देखनी पड़ेगी बिना चश्मे के, सिर्फ एक ही यही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ।